ये तो है नहीं यहाँ पे। तुम झूठ बोल रहे हो, गुनगुन यही है। तुम गुनगुन को मम्मी बताओ ना, अगर वो तो दिख जाए तो तुम घर में देख लो, दिख जाए तो अभी अभी तो है नहीं यहाँ पे। नहीं तुम तुम भी समर के साथ गुनगुन थी यहाँ पे, मैं बोल तो रहा हूँ मम्मी की गुनगुन थी यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं है। मैंने एक दिन देखा था ये और गुनगुन आपस में छुपाने लग रहे थे। अरे मम्मी मैं वहाँ बैठा हूँ, सब तो उसमें तो पिटते पिटते बचाई है भी। आप? हाँ मैं। कहाँ है वो गुनगुन? मेरे को कोई नमस्ते नहीं ले रही थी अभी तक। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज बहुत दिमाग खराब हो रहा है, जब से मतलब हनीमून से आया हूँ ना कुछ लोचा हो रहा है। पहले तो आते ही यहाँ पर देखा कि गुनगुन का भाई था, फिर गुनगुन थी, ले जाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब उसका भाई तो चला गया लेकिन गुनगुन नहीं जा रही। बाकी मैंने अपने वकील से बात किया है, वो पेपर वेपर तैयार कर रहा है, वो बोल रहा है कि देख लो एक बार प्यार से उसको पहले समझा लो, अगर मानती है ठीक है, नहीं तो आगे कार्रवाई किया जाएगा। बाकी यार राधिका की मम्मी जो है ना वीडियो देखी थी, पहले तो फोन पे गुस्सा कर रही थी, आज मम्मी आने वाली, पता नहीं यार आज क्या बवाल होने वाला है, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। लगता है कि गुनगुन ना राधिका के साथ भी रिश्ता तुड़वा के ही मानेगी। समझ नहीं आ रहा है कि उनको कैसे हैंडल करूँ, कैसे जवाब दूँ। मुझे तो लगता है कि आज जो है ना पता नहीं क्या है, बाकी देखते हैं कैसे वो मानती हैं या राधिका को लेके जाती हैं। गुनगुन का कहाँ होगी आपको क्या लगता है? क्यों तुमने तो मेरे को ये बताया था कि गुनगुन नहीं है यहाँ पे, चली गई अपने घर। जैसे आपको बताया गया था वैसे मुझे भी तो बताया गया ना, मैं वीडियो देखती ना मुझे पता चलता कि गुनगुन यहीं पे है। मेरे को झूठ बोला जा रहा है ना, तू बता कब तक चलेगा ये झूठ, कब तक सुनती रहूंगी मैं यही बातें। मेरे को कभी बोलते है कभी है नहीं है, है नहीं है, यही चल रहा है यहाँ पे, और गुनगुन यहीं पे ही है। ऐसे फंस जाएगा तेरा घर, तू क्यों नहीं इनके ऊपर जोर लगा दी कि भगाओ इसको यहाँ से गुनगुन को? मैं कितना बोलूं भाई, मैं थक गई हूँ। चलना तू नहीं बोलेगी तो मैं बोलूंगी, इतना खटिया खड़ी करी तो नाम नहीं है मेरा। बुलाना समर को और अपनी सास को और अपने ससुर को भी बुला, मैं नहीं रुकने वाली बिल्कुल भी। अब बहुत हो गया, मेरे को ना तेरी सास से और उससे बात करनी है, समर से बुला उन दोनों को तू। मैं आज बात करे बिना जाऊंगी नहीं, या तो गुनगुन रहेगी। जाओ मम्मी थोड़ा नमस्ते मम्मी जी। क्या नमस्ते, क्या चक्कर है? नहीं आप बताओ ना, मैं क्या बताऊंगी क्या हो गया। क्या हो गया मम्मी जी, क्यों मतलब क्या दिक्कत हो गया? अचानक से आई आ रही हो? अचानक से इसलिए आई, वीडियो में मेरे को गुनगुन दिखाई दिया। अब कहाँ है गुनगुन? हाँ जब हम लोग आए हुए थे तो गुनगुन यहाँ आई हुई थी। मतलब मम्मी अब मैं आपको क्या बताऊँ, जब हम लोग यहाँ आए तो मेरा ताला टूटा हुआ था और वो उसका भाई यही था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब धमकाया तो उसका भाई चला गया लेकिन गुनगुन को छोड़ के गया था। उसके बाद फिर अभी मैंने समझाया, रात में बोला हूँ कि भाई देखो वकील से मैं बात कर रहा हूँ, फिर कानूनी कार्रवाई करूंगा, फिर अच्छा नहीं हुआ तो अभी से तो है नहीं यहाँ पे। तुम झूठ बोल रहे हो, गुनगुन यही है। तुम गुनगुन को मम्मी बताओ ना, अगर वो तो दिख जाए तो तुम घर में देख लो, दिख जाए तो अभी अभी तो है नहीं यहाँ पे। नहीं तुम भी समर के साथ। गुनगुन थी यहाँ पे, मैं बोल तो रहा हूँ मम्मी की गुनगुन थी यहाँ पे लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं है। वो कहाँ गई सुबह से, कहाँ है मुझे ये नहीं पता। और अगर मैं देखने गई और वहीं मिली तो? अरे मम्मी नहीं है, जब बोल रहा हूँ आपको। तुम्हारा क्यों सच मानो, तुम हर बार यही झूठ बोलते हो। मम्मी मैं क्या झूठ बोलता हूँ? मुझे नहीं पता, तुम गुनगुन को घर खुद निकालोगे या मैं निकालू? मम्मी वो निकल चुकी है ऑलरेडी, सुबह से यहाँ पे नहीं है। देख लो, मैं बोल तो रहा हूँ कि नहीं है, सुबह से पहले थी लेकिन अभी वो अब यहाँ पे नहीं है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मम्मी आपको यकीन नहीं हो रहा है? राधिका से पूछो, राधिका बताओ ना, राधिका बताओ ना, अभी है गुनगुन यहाँ पे घर में? ये तो राधिका के सामने की बात है, बता रही हूँ नहीं है यहाँ पे। अभी गई थी हमें बुलाने, तुम देखी हो बहुत ज्यादा सुबह में, मैंने जब मुझे पता चला कि आप आने वाली हो मैंने उसको बोल दिया कि भाई राधिका की मम्मी आ रही है, फिर यहाँ पे ड्रामा होगा, तुम यहाँ से फटाफट निकल जाओ, ऑलरेडी मैं वकील से बात किया हूँ। तो वो सुबह निकल गई, अब ये कहाँ गई है नहीं गई वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह गई, मैंने बोल दिया था कि राधिका की मम्मी आ रही है, तुम्हें मारेगी पीटेगी, कोई फायदा नहीं, तुम निकल जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगी आपकी बात, अगर मेरे को यहाँ पे गुनगुन दिखाई देगी ना मैं वो वाला तांडव मचाऊंगी तो तुमने देखा नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी तक मेरी लड़की की जिंदगी खराब हो रही है यहाँ पे, तुम खुद सोचो ना कि तुम इतना गलत कैसे कर रहे हो। तुम आपने तो मेरे को प्रॉमिस किया था
तो हम तो भेज ही रहे हैं, निकाल ही रहे हैं, हम कौन सा, आपने कभी ये देखा है कि हम उसे ये कह रहे हैं कि तू यहीं रह ले? अगर हम भी इस चीज के वो होते हैं, आप हमसे कह रहे हो, हम तो आपसे ज्यादा परेशान है ना कि जवाब क्या दें। तो फिर ये आपके घर का सलूशन निकालो ना इसका। तो निकाल तो रहे हैं, इसीलिए तो सुबह इतनी बैठो पानी कहा सुनी हुई है, इतना बोला है मैंने। अब ये वकील पे गए सारे, मैंने कहा भाई नहीं जा रही राजी राजी तो तू फिर रिपोर्ट लिखा रहे हम थाने में, नहीं कोर्ट की कार्रवाई से निकाल रहे हैं। यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, निकलती नहीं है। देखो जी ऐसा है, जब इंसान बेशरम हो जाता है ना, उसके आगे फिर कुछ नहीं करा जा सकता। आप ये समझते हो बढ़िया, अगर चली गई है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरी लड़की का घर खराब हो रहा है, मैं राधिका का घर खराब, घर खराब। एक बात बताओ, आपकी लड़की का हो रहा था, मेरे लड़के का नहीं हो रहा? वो तो मुझे आप, आपने लड़की दिया लेकिन मेरे लड़के का तो पूरा घर खराब हो जाएगा, वो तो मैं जानती हूँ ना। आपसे ज्यादा चिंता तो मुझे है, आप तो अपनी लड़की के लिए कह रहे हो, मुझे तो दोनों को देखना है। लगी हुई है, इसके पापा की तबीयत खराब है, अगर इसको कुछ, अगर इसकी वजह से मेरे उनको कुछ हुआ ना तो फिर देख। अरे बहुत टेंशन में होगा। एक बात बताओ, आप तो इस चीज के लिए कह रहे हो, हम क्या कह रहे, हमारी तबीयत खराब होती है, हम किससे जाके कहें? हम तो कह भी नहीं सकते। देखो एक पहली बात तो ये कि हम लोग उसको कोई जानबूझ के यहाँ पे बिठा नहीं रखे, जाती तो नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के का क्या मतलब है, जाती तो नहीं है यहाँ से। हम इतनी टेंशन ये भी नहीं है कि कोई प्यार से बोलता हो ना, मैं सीधे मुंह बात करती, नहीं है सीधे मुंह ये, ना ये उसको उल्टा सीधा ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बेशरम हो रखी है। अब लास्ट जरिया यही बचा, तो चाहती है प्यार से पड़े रहना चाहती है, लेकिन यहाँ पड़े रह सकते। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यहाँ नहीं पड़े रह सकती भाई, यहाँ नहीं पड़े रह सकती। इसके पापा की तबीयत इतनी खराब है, इतनी टेंशन में है वो, और इसीलिए आज आई भी नहीं है वो। कोई नहीं, उनको समझाओ और क्या, बाकी ऐसी कैसे समझाओ, सबको तो सामने अब सब कोर्ट के जरिए और वकील के जरिए ही सारी बातें होंगी, उसकी टेंशन मत। देखो मम्मी, हम लोग को जानबूझ के नहीं समझा रखे, बैठा रखे हैं, आने के बाद भी हमने धमकाया, उसके बाद से उसका भाई गया, उसको छोड़ के गया, फिर दो दिन लगातार हम लोगों ने उसको समझाया कि भाई तुम यहाँ रहो, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं। हमारी तो हालत ये हो गई है, आप भी बोल जाते हो, वो उसके घर का भाई आएगा, माँ बाप आएंगे, वो भी सुना जाएंगे लड़के पे, जो तो देखो जी हमारा तो आपको पड़ेगा ही, फिर वही तो गलती है उसकी, जब तक सुन नहीं जाएगी जब तक ऐसे ही होगा। जिसका घर खराब हो रहा है वो तो बिल्कुल बोलेगा, तो घर खराब वाली तो बात ही नहीं। अब वही है कि ठीक है, आपका सोचना भी कि घर खराब, जब मैं बैठी तो घर खराब कहां से होने दूंगी ना, मैं इन लोगों को देखो उनके बीच में तो आने ही चलेगा, घर राधिका का घर चलेगा इस समर से, और समर के साथ वो बैठी हुई है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल। कैसे मैं नहीं हूँ, मैंने एक दिन देखा था ये और गुनगुन आपस में छुपकने लग रहे थे। अरे मम्मी उसमें तो पिटते पिटते बचाई है भी, हरकतें वो कर रही थी, बचाई है पिटते, तो साथ में तो ये भी गिना जाएगा ना, ये भी तो था साथ में। अरे मम्मी तो मैं कौन सा छिपक रहा था, आपको दिखा दूं, आप वीडियो में क्या गलत देख रहे हो क्या, कि वो खुद आके वहाँ पे बैठ के हाथ पकड़ ली, जैसे मैं हटा रहा था ये लोग आ गए। ऑलरेडी मम्मी मुझे इतना सुनाए, राधिका सुनाइए, अब हर जगह मेरा ही गलती निकालोगे क्या? तो निकालेंगे, अब तो जब यही निकाल कर करके उसका तिया पाचा खत्म कर, उसके बाद उसको अलग जल्दी करो, जल्दी करो। अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अब भैया बर्दाश्त सहन नहीं कर पाएंगे। अब नहीं सुना जा रहा, कितने क्या करें समर, आप सुनने की कह रहे हो, हमारे पे तो बीत रही है मेरे। अरे आप उस चीज की चिंता मत करो, घर खराब कुछ नहीं होगा, और क्या चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना। अगर राधिका से वो उल्टा बोल जाए, कुछ बोल जाए तो बोलो। आप देखो मेरे को गुनगुन इस घर से बाहर चाहिए, मैं बहुत बार देखो गुनगुन सुबह गुनगुन यहाँ सुबह जा चुकी है, आपको अगर भरोसा नहीं है फिर भी तो आप यहाँ पे रुको, शाम में दोपहर में हर टाइम देखते रहना, अगर आपको दिखी वो तो बताना, अगर आएगी। ये भी मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, अभी नहीं है, बाद में आ भी सकती है, ये मैं इसका कोई ये नहीं ले रहा हूँ कि वो, क्योंकि वो मेरे बातों में नहीं है, वो बाद में कभी भी आ जाती है, कभी भी। अब आप कुछ नहीं बोल रहे, बोलो ना कि आ भी सकती है वो, क्यों आएगी तो क्या, वही भी नहीं मारा जाता इन लोगों से। जब तक आप देना पड़ेगा तो सुबह तो मैंने मेरी बात सुनो सुबह मैंने सुनो मम्मी सुबह मैंने उसको बोल दिया था कि भाई तुम ऐसे नहीं जाओगी तो मैं कार्रवाई करूंगा, तो उसके बाद से हो गई। अब मुझे 100% ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगी। आप वैसे फिलहाल फिर भी अगर आपको शक है, आप एक दो दिन यहाँ पे रहो, देख लो, मैं बिल्कुल ठीक है, रुको, कोई दिक्कत नहीं, धक्का मार के आधी बात खत्म होगी, हम करेंगे अभी इसका कोर्ट के जरिए, वकील के जरिए से पूरा किस्सा खत्म। अरे किस्सा क्या मम्मी, मैंने उसको सुबह बोल दिया, वैसे भी वो ना लेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई अगर अगर अब तुम आती हो तो तुम्हें फिर मैं कार्रवाई करूंगा, मैं अपने वकील से बात करूंगा, कोई नहीं, टेंशन मत लो, आप रेस्ट करो, नाश्ता वास्ता मैं लाता हूँ, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी वो। चलो ठीक है, आप बात करो, देखते राधिका तू बताओ क्या लग रहा है तेरे को।
ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? मेरे को तो ये लग रहा पागल बना रहे हैं। मैं मम्मी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब क्या क्या चक्कर है इनका? बस धक्के दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, झूठ बोले जा रहे हैं बिल्कुल। हर बार एक ही बात बोल के सोचते हैं कि अब थोड़े दिन मामला टरक जाएगा, बस बात खत्म, फिर आएंगे, फिर यही चलता रहेगा क्या? ये तो आप देख लो, उनसे पूछो कब चलेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। मैं तो इनकी इंसिडेंट पे जा दूंगी ना, इनका ड्रामा निकाल दिया ना तो नाम ही है मेरा। मैंने चुप बैठने वाली, अब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया मैंने। आपसे जा तो मैं देख रही हूँ, तू देख रही है ना, देख तो अब देखती मैं क्या करने वाली यहाँ पे। मैं गई गुनगुन तो इनका तमाशा मैं चलूंगी बिल्कुल। वो तो क्या, बहुत देख लिया मैंने।